नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। इन दिनों देश में सबसे अधिक किसी बात की चर्चा है तो वह है जीएसटी। जीएसटी को लेकर लोगों में, व्यापारियों में काफी शंका कुशंकाएं हैं। नीमा जी, अगर यदि ये सब कुछ आसान दिख रहा है, कोई परेशानी नहीं है, तो फिर व्यापारी विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, ज्यादातर व्यापारी अपने यहां सभी एम्प्लाइज और उनके सलाहकार के पर डिपेंड है। अब चूंकि ये कंप्यूटराइज्ड होने जा रहा है और किसी व्यापारी को कंप्यूटराइज्ड होने का जो छोटी छोटी जगह है वहां नॉलेज बहुत कम है, इसके बावजूद इस जीएसटी लॉ में कुछ ऐसे कानून को लागू किया गया है जिससे कि कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जैसे सरकार को का मेन उद्देश्य जीएसटी में पेमेंट, टैक्स का पेमेंट सरकार को एडवांस में चाहिए, भले ही आपने माल की डिलीवरी नहीं दी हो। यदि आपको एडवांस पेमेंट मिल गया है, किसी पार्टी ने एडवांस पेमेंट जमा कराया है, तो आपको जमा कराते वक्त ही टैक्स भरना है। तो परेशानी हो रही है कि एक कंसाइनमेंट है, उसके 5-6 बार अलग अलग टुकड़ों में पैसे आते हैं, तो 5-6 बार उसको कंप्यूटर में एंट्री करना पड़ेगी, तो उससे व्यापारी काफी डरा हुआ है। दूसरी बात है कि इस जीएसटी लॉ में अगर आपने कोई अनरजिस्टर्ड आदमी से कुछ खरीदी की है तो आपको ऐसा स्वयं ने जैसे स्वयं से खरीदी की है, सरकार उस अनरजिस्टर्ड आदमी को नहीं जानती है, तो आपको वो परचेज बिल बनाना पड़ेगा और वो कंप्यूटर में डालना पड़ेगा, और परचेज बिल भी टोटल नहीं, अलग अलग ट्रांजेक्शन वाइज। यानी आपने अगर 500 रुपए की स्वीपर को दिया तो वो रिवर्स चार्जेस के अंतर्गत आपको बिल की एंट्री करना है, 50 रुपए का नाश्ता किया उसकी अलग एंट्री करना है। इस प्रकार से कंप्लायंसेस और इसकी एंट्री और इतने रिकॉर्ड रखना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इस एडवांस पेमेंट पर टैक्स सरकार ले रही है, लेकिन यदि ये इसका सेल कंप्लीट नहीं होता है, मतलब इनवाइस नहीं बनता है, बिल नहीं बनता है, तब तक सरकार जिसने एडवांस पेमेंट दिया उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा नहीं देगी। सपोज मतलब आज मैंने एडवांस प्राप्त किया, टैक्स भर दिया, लेकिन 3 महीने बाद मैंने डिलीवरी दी और बिल दिया, तो इस 3 महीने तक ये पैसा जो है टैक्स का वो सरकार के पास रहेगा, वो खरीदने वाले को इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो इतनी ज्यादा कंप्लायंसेस है और इतना मैन पावर नहीं है, बहुत छोटे छोटे व्यापारी हैं जो बहुत थोड़ी सी प्रॉफिट में काम करते हैं, उनके लिए इतनी कंप्लायंसेस करना काफी भारी लग रहा है और दिख भी रहा है कि लोग काफी घबराए हुए हैं। और इसलिए इन चीजों में कुछ चीजें जबरदस्त कंप्लायंसेस बढ़ा रही है। तो ऐसा नहीं लगता कि इससे व्यापारियों की लागत बढ़ेगी? अगर उनकी लागत बढ़ेगी तो किसी ना किसी तरीके से वो लोगों से ही वसूल करेंगे उसको? जी बिल्कुल, इसका प्रभाव यही पड़ेगा कि वस्तुएं महंगी होगी, क्योंकि इन सब का खर्चा आज मैं समझता हूं कि करीब 15,000 से 20,000 रुपए महीना पड़ सकता है। 15,000 से 20,000 रुपए महीना व्यापारी कमाता है, छोटा व्यापारी। अब उसकी ये वाली कास्टिंग अगर बैठ जाएगी या अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो वाकई में थोड़ी सी परेशानी का सामना व्यापारी को करना पड़ेगा।
नीमा जी, एक चीज और सुनने में आ रही है कि व्यापारियों की गिरफ्तारी भी हो सकती है, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके चलते जीएसटी में व्यापारियों की गिरफ्तारी हो सकती है? अभी यदि किसी व्यक्ति ने इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत ले लिया है या रिफंड गलत ले लिया है और ये सब काम उसने टैक्स बचाने के या मैं कहूंगा टैक्स चोरी के उद्देश्य से किया है, तो अभी अगर ये राशि 5 करोड़ से ऊपर है तो गिरफ्तारी हो सकती है। इसमें जरूरी है कि कमिश्नर साहब को इस बारे में रीजन, अगर उनको विश्वास होता है ऐसा रीजन बनता है तो वो अरेस्ट किया जा सकता है। इसमें बहुत सारी बातें हैं जो कि अभी क्लियर होना बाकी है। इसमें गिरफ्तारी में 2-3 बातें ऐसी भी है कि अगर आपने जीएसटी ऑफिसर को कोई काम करने से रोका है या कोई पेपर आपने फाड़ा है तो इन परिस्थिति में भी आपको अरेस्ट किया जा सकता है। जीएसटी में जो कमिश्नर साहब हैं उनको मजिस्ट्रेट का अधिकार दिया गया। भारत में ज्यादातर लोग व्यापार बुक्स में करना पसंद नहीं करते हैं। विदेशों और विदेशी और यहाँ की स्थिति में बहुत फर्क है। यहाँ भारत में करीब 30-40% लोग व्यापार आउट ऑफ द बुक्स करते हैं या उन्हें ये समझ लो कि ज्ञान ही नहीं है कि रिटर्न कैसे भरना, टैक्स कैसे भरना। ये सब जीएसटी आने के बाद टैक्स नेट के दायरे में आ जाएंगे और पहले जो बहुत सारी जो 17 टैक्सेस थे उसमें सी फॉर्म पे लोग माल खरीद लेते थे और बेच देते थे और फिर वो एक्चुअल माल भेजते नहीं थे और वहीं लोकल सेल कर देते थे, इस प्रकार उस स्टेट का टैक्स भी बचा लेते थे। तो ऐसी सारी चीजें चूंकि जीएसटी में वन नेशन वन टैक्स है। नीमा जी, किसानों का मुद्दा देश में बहुत चल रहा है, अगर जीएसटी की बात करें तो किसानों पर क्या असर होगा उसका? देखिए, जीएसटी में किसानों को जो व्यक्ति स्वयं या उसके परिवार के साथ में किसानी का काम करते हैं और वो उनके द्वारा उगाई गई फसल को बेचते हैं तो वो टैक्स फ्री है, उस पर जीएसटी नहीं है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, जिस प्रकार से लोग अपनी जमीन किराए पर देते थे या अदई पर देते थे, उन लोगों पर अब जीएसटी लागू होने की तैयारी है। अब अपन बात करते हैं कि इस बार सरकार ने किसान की जो 3 तरह की फसल है उसमें एक फसल को खरीदने वाले पर को उस पर टैक्स भरना है। जैसे पहला है गेहूं, अनाज, इसमें आगे आपका बाजरा वगैरह। दूसरा है दालें, मूंग, मोगरी। और तीसरा कमर्शियल फसल है जिसमें काटन सीड, सोया सीड, मस्टर्ड सीड, जिससे कि तेल निकलता है। तो जो ये तीसरी आइटम है जो सीड वाली है जिसमें आयल निकलता है उस पर सरकार ने 5% टैक्स लागू कर दिया है। इस प्रकार ये जो 5 गार सीड और ये खरीद कर जो तेल बनाते हैं तो तेल पर भी 5% टैक्स है और बाकी का केक बनाते हैं तो केक बेचने पर कोई टैक्स नहीं है। ये स्ट्रक्चर अभी किसानी बाहर में है
अब दूसरा ये है कि व्यापारी अगर गेहूं वगैरह खरीदता है और वो ब्रांडेड में 5 किलो के 2 किलो के पैकिंग में ब्रांड के अनुसार बेचता है, तो उस पर सरकार ने 5% टैक्स लगाया है। इसी प्रकार इनके आटे वगैरह पर जो है, अगर वो खुला बोरे में बेचता है तो कोई टैक्स नहीं है, अगर वो कंटेनर में बेचता है यानी 5 किलो 1 किलो के पैकिंग में बेचता है तो सरकार ने उस पर 5% टैक्स लगाया है। तो इस प्रकार किसान को उसकी फसल खुद के द्वारा उगाई गई फसल पर कोई टैक्स नहीं है। इसी प्रकार सब्जी वगैरह इस पर कोई टैक्स नहीं है। मूंगफली के दाने पर जो है, अगर मूंगफली खरीदते हैं तो 5% टैक्स खरीदने वाले व्यापारी को रिवर्स चार्जेस के अंतर्गत भरना है, और जब वो ऑयल निकाल कर बेचेगा तो उस रिवर्स चार्जेस में जो टैक्स भरा है उसका उसे इनपुट क्रेडिट के रूप में बेनिफिट मिल जाएगा। भरत, नीमा जी से हमने जाना कि जीएसटी का देश पर क्या असर होगा। नीमा जी, आपने वेब दुनिया से बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।